दिक्कत है और आज हम बात करने वाले हैं अपने जो सीरीज चल रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, उसी में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएससी और डिन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड क्या होते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में बताने की कोशिश की कि डिन क्या होता है, लेकिन ये अलग से हमने एक वीडियो बनाया जिसमें स्पेसिफिक, क्योंकि डीएससी और डिन हमने एक साथ इसलिए रखने की कोशिश की है, जो डॉक्यूमेंटेशन जो आप कह सकते हैं कि उसके अप्रूवल के लिए जो पेपर चाहिए वो दोनों सेम है। तो अब रादर मैं चाहता था दो वीडियो बना सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो मैं आपका भी टाइम खराब करूंगा, अपना भी टाइम खराब करूंगा। तो उससे अच्छा है कि हम एक वीडियो बनाएं, इंपैक्ट बनाएं और जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक देनी है मैं पहुंचा दूं। तो सबसे पहले कि अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर में जा रहे हैं तो आपको बिना डीएससी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले डीएससी होता क्या है? डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि जब आप आपका जो डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहां पर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उससे जो भी कम्युनिकेशन आज के डेट में हो रहा है वो डीएससी के थ्रू हो रहा है, यानी डीएससी बात करता, हम नहीं बात करते। यानी कि आपके बिहाफ में जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो कम्युनिकेट करता है एमसीए के साथ, वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है। और आज के डेट में जो डीएससी बनता है वो ई मुद्रा, सीफी, टीसीएस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से अप्रूव्ड होते हैं। दूसरी चीज, जो डीएससी है वो डीएससी का जो यूटिलाइजेशन है वो एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी के पोर्टल पे और भी एक दो गवर्नमेंट के जो पोर्टल है जैसे आप कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आईसी कोड के लिए वहां पे यूज हो सकता है। इसके अलावा इस डीएससी का कोई यूज नहीं है। ये बहुत मैं क्लियर शब्दों में समझा रहा हूँ कि इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन मेरे क्लाइंट मेरे से हमेशा पूछते हैं कि कहीं डीएससी के थ्रू मेरे बैंक में कोई सेधी ना लग जाए, मेरे चेक को साइन नहीं कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एकदम आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीएससी ये होता है। डिन क्या होता है? डिन को कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहले डीएससी, उसके बाद डिन। बिना डिन के कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं, वो आपका आईडी, एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन एक आईडी है जो एक बार अलॉट होता है, बार बार अलॉट नहीं होता, वन टाइम अलॉटमेंट होता है। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन में यही हर जगह आपको जो डिन नंबर है यही जाता है, इसी से सारी चीजें ट्रैक होती है। तो ये वन टाइम जॉब है। डीएससी एक साल दो साल के लिए बनता है, एक्सपायर कर जाता है, फिर रिन्यू कर। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पेपर दोनों के सेम थे इसलिए हमने ये टॉपिक एक साथ उठाया कि जो हमें पेपर चाहिए इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशन के केस में, तो जो पेपर की रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सिमेटली सेम थी, इसलिए हम इस दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंडियन नेशन है तो उसमें क्या चाहिए? पैन तो रिक्वायर है ही, उसके अलावा एड्रेस बुक में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और ये कोई भी बिल 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आईडी प्रूफ में ये, और मैंडेटरी में पैन हो सकता है या पासपोर्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आजकल देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट वो पैन पे बहुत फोकस है और बहुत जगह ये क्लियर शब्दों में लिखा है कि आईडी पैन ही होगा, क्योंकि पैन से ट्रैकिंग सिस्टम बन रही है। अब बात करते हैं फॉरेन नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिन और डीएससी के लिए अप्लाई करने वाले हैं या तो आप एनआरआई हैं या फॉरेन नेशन, हमने एनआरआई नहीं लिखा लेकिन ये हम दोनों की कवर कर रहे हैं। अगर है उस केस में पासपोर्ट तो आईडी में मैंडेटरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपको वैलिड वीजा अगर है तो वैलिड वीजा के साथ, अदरवाइज पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और एक चीज, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया में करते हो तो एक इंडियन आपको डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो आईडी में आपको पासपोर्ट और एड्रेस में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं और एनी अदर गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट आप प्रूफ दे सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं हो जो एक साल से ज्यादा पुराना हो। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, यहां पे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी लेकिन यहां पे है, ये पेपर एपोस्टाइल होना चाहिए और नोटराइज होना चाहिए। ये दोनों चीजें मैंडेटरी हैं, अगर नहीं है तो ये दोनों काम नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके पेपर एपोस्टाइल भी होने चाहिए और नोटराइज भी आपकी कंट्री में होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप किसी कंट्री जैसे चाइना, कोरिया, जापान, इस तरह की, जर्मनी, इस तरह की कंट्री में, तो उनका जो लैंग्वेज है वहां इंग्लिश नहीं है। यहां जब भी पेपर देंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, उस केस में आपको प्रोफेशनल हायर करके उसको ट्रांसलेट कराना पड़ता है और ट्रांसलेशन को फिर से नोटराइज कराना पड़ता है। पोस्टाइल कराने की जरूरत नहीं, केवल नोटराइज कराना है। यानी ये प्रोसीजर है आपके डीएससी और डिन बनाने के लिए।
मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी भी तरह की कोई और चीज हमें बताने की जरूरत है। तो अगर आप डीएससी और डिन के लिए जाने वाले हैं और अप्लाई करने वाले, तो ये डॉक्यूमेंटेशन और चेकलिस्ट है, तो इस बिना चेकलिस्ट के आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें ड्रॉप बॉक्स में नीचे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, हम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं।